हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी है। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ इतने छोटे बालों में ब्यूटीफुल सा सिल्क हाई बन हेयर स्टाइल। आप सोचे सिल्क हाई बन हेयर स्टाइल कैसे बनेगा, तो वीडियो में आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। एंड सेकेंड चैनल है प्रीति तिवारी टू, जिसपे मैं कपड़ों की कटिंग स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहते हो। अगर आपने उस चैनल पे नहीं गया है, विजिट नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जाओ और चेक कर लो। एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, सॉरी कॉल आ गया था। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया ना, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंस्टा आईडी प्रीति24 है, तो वहां पर भी जरूर जाइएगा। एंड जो मेरा फेस ग्लो कर रहा है, इसका जो सीक्रेट है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। कुछ नहीं करना है, ओनली वैसलीन। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ध्यान से सुन लीजिए, अगर स्किन आपकी ड्राई है तो ही यूज करना है, ऑयली स्किन वाले बिल्कुल भी ना यूज करें। ड्राई स्किन वाले वैसलीन लीजिए, सर्दियों में भर भर के फेस पे वैसलीन लगाइए और ऐसे निखरी हुई ग्लोइंग पिंक वाली, जो पिंक गालों के साथ जो ग्लो आता है वो मिल जाएगा आपको, तो जरूर ट्राई कीजिएगा वैसलीन एक बार। लोगों का ये जो बोलते हैं वैसलीन लगाने से सांवला फेस देखता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लगाओ, नाइट में लगाओ तो बेस्ट रहेगा, डे में भी लगा सकते हो, स्किन को अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग देगा एंड जो आईज कैफस रिंकल्स फाइन लाइंस होती है उसको भी कम कर देता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हेयर स्टाइल। तो इस हेयर स्टाइल में आपको सेटिंग स्प्रे की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा फ्लैट नहीं है तो पहले हम लोग हाई पोनीटेल बना लेंगे इस हेयर स्टाइल के लिए। और यू पिंस चाहिए कुछ इस तरीके से कॉम करेंगे, और हाई पोनीटेल मतलब आपका जो क्लाउ ये कान है इसके जस्ट सीध में यहां पे आपको पोनी बनानी होती है, ये हाई पोनीटेल होता है। चश्मे को थोड़ी देर साइड में रख देती हूँ क्योंकि कॉम करने में दिक्कत हो रही है। और आज मैंने एक हेयर कट की वीडियो अपलोड की थी, ये वाली वीडियो आपको कल की डेट में जाएगा। आज का जो हेयर कट का वीडियो था, लॉन्ग टू शॉर्ट मैजिकल हेयर कट था, एडवांस लेयर हेयर कट, तो आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना यार। इस तरीके से पूरा सिल्क लुक बनाना है आपको। अच्छे से कॉम करेंगे, कॉम करके रबर बैंड को टाइटली इस तरीके से लगाएंगे और टाइटली रबर बैंड लगा देंगे इस तरीके से। और जहां भी आपको लग रहा है कि आपका जो हेयर है कहीं से बेबी हेयर्स निकल रहे हैं, तो आप इस तरीके से पतले दांतों वाली कॉम पे सेटिंग स्प्रे लगा लोगे, देन अच्छे से बालों को फ्लैट लुक दोगे। ओके, बिल्कुल फ्लैट लुक। अब आपको बैक साइड में भी बैक साइड से ही अच्छे से कॉम कर लेना है। अब जो आपके हेयर बचे हुए हैं कॉम करेंगे इस तरीके से, बैक कॉमिंग करेंगे, क्योंकि अपर का जो हेयर है वो हेयर भी छोटा है एंड वॉल्यूम चाहिए होगा बहुत ज्यादा, तो इस तरीके से टू पार्ट्स में डिवाइड कर करके बैक कॉम्बिंग कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें भी सेटिंग स्प्रे डाल सकते हो, बट सेटिंग स्प्रे डालने के बाद से मेरे जो हेयर है टाइट हो जाते हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसी तरीके से बस मैंने किया है। देन हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और इस तरीके से ओके। और आपको क्या करना है, यू पिन से बॉबी क्लिप से, अगर बहुत छोटे हेयर है तो बॉबी क्लिप यूज कर सकते हो। अपर से कहीं से भी बाल वो नहीं दिखने चाहिए जैसे अभी दिख रहे थे रफ। ओके, इस तरीके से रखना है, देन यू पिन से इसको सेट करना है।
जहां जहां आपको लगे यूपीएस की जरूरत वहां वहां आप लगा दीजिएगा, और बिल्कुल इजी वे में आपका सिल्क हाई बन है बन के रेडी हो जाएगा। सिल्क हाई बन, सेल्फ सिल्क हाई बन। वन सेकेंड गाइस, तो देखिए अच्छे से इसको सेट कर लीजिए जैसे जैसे आपको चाहिए हेयर का लुक, एंड यू पिन लगाया जाइएगा। तो ऑलमोस्ट हमारा जो हेयर स्टाइल है वो डन हो चुका है। अगर आपको ऐसे सिल्क लुक चाहिए तो सिल्क लुक भी के साथ भी ये बन काफी अच्छा एंड अट्रैक्टिव लगेगा। एंड आपको थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए लुक तो आप इसको पफ वगैरह के साथ बना सकते हो, मैसी लुक के साथ भी बना सकते हो, बट आज का जो था वो सिल्क हाई बन हेयर स्टाइल था। तो कैसा लग रहा है आपको मेरा ये हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आ रहा होगा सिल्क हाई बन हेयर स्टाइल। लेस निकालने होंगे तो पहले ही निकाल लीजिएगा, बाद में निकालोगे तो आपका हेयर स्टाइल का जो लुक है वो खराब हो जाएगा। इसके बाद आप सेटिंग स्प्रे इस पे मार सकते हो, क्योंकि ऊपर का हेयर जो हमने रखा है काफी लूज रखा है जिसकी वजह से ये बाद में खुल सकता है। यहाँ पे एक यूपिन और लगा देती हूँ ताकि इसका लुक जो है वो काफी अच्छा और अट्रैक्टिव है। बैक से कुछ इस तरीके का दिख रहा है एंड फ्रंट से ऐसा दिख रहा है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, हेयर स्टाइल कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए और जो टिप्स मैंने बताया ग्लोइंग फेस के लिए आप जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आपका फेस ड्राई है तो। एंड ऑयली स्किन वाले सोच रहे होंगे कि मैम ने हमारे लिए तो कुछ बताया ही नहीं, तो घबराइए नहीं, आपके लिए भी बता देती हूँ। आपकी स्किन ऑयली है, सर्दियों का टाइम चल रहा है, मॉइस्चराइजर ऑयली एंड ड्राई स्किन सबके लिए चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रब करना है अपने फेस पे। स्क्रब करोगे तो आपकी जो डेड स्किन है, जो डेड स्किन जमती रहती है फेस पे, वो निकल जाएगी। उसके बाद से आपको गुलाब जल स्प्रे वाला है तो ठीक है, नहीं है तो कॉटन से किसी भी चीज से आपको गुलाब जल अपने फेस पे लगाना है जिससे आपका फेस ग्लोइंग हो जाएगा एंड फेयरनेस दिखेगा। फेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि आप काले से गोरे हो जाओगे, आपका जो स्किन टोन है उसको ही 1 से 2 शेड तक आप लाइट कर सकते हो। तो ड्राई स्किन वाले तो अपनी स्किन में भर भर के मॉइस्चराइजर यूज कीजिए। मॉइस्चराइजर यूज करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी स्किन को साफ नहीं करोगे, आपको अपनी स्किन को डेली साफ करना है। अब आप जो भी फेस वॉश यूज करते हो वो अप्लाई कीजिए, स्क्रब आपको हफ्ते में एक बार जरूर करना है, और ऑयली स्किन वालों को स्क्रब आपको हफ्ते में 2 बार करना है, एंड अपने फेस पे गुलाब जल अप्लाई करना है, और ड्राई स्किन वालों को मॉइस्चराइजर यूज करना है। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मैंने बताया वैसलीन, सस्ती से सस्ती एंड अच्छा काम करता है। और बोरोप्लस यूज कर सकते हो जिसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर, जो भी ऑयली प्रोडक्ट है वो ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते हो, ड्राई प्रोडक्ट है वो ऑयली स्किन वाले यूज कर सकते हो। तो सर्दियों में हल्का फुल्का ऑयल वाला भी चलेगा ऑयली स्किन को भी। तो आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको पसंद आया हो वीडियो, और हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है आई होप कि अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।